इस्लामिक पेवियर्स कैसे आप सब, उम्मीद करती हूँ कि सब अच्छे होंगे। पाक आप सबको बहुत खुश रखे और तरह के बीमारी परेशानियों से बचाएं, आमीन सवामीन। तो चलिए वीडियो को फटाफट से करते हैं स्टार्ट। और अभी हो रहा है मॉर्निंग का टाइम और यहाँ पे देखिए हमारे साथ जूबी भी ब्रेकफास्ट करने के लिए आ जाती हैं। और ब्रेकफास्ट में हमारा क्या रहता है, टोस्ट रहता है या ब्रेड रहता है, तो जूबी को वो भी चाहिए होता है हमारे साथ ही साथ। तो यहाँ पर मैं हटा रही थी इतना, लेकिन फिर भी जूबी मानी नहीं, तो फिर अम्मी ने उसे अपने में से जो है वो एक टोस्ट चाय में डिप करके दे दिया था, एक नहीं बहुत थोड़ा सा। और आज था मेरा पेपर, तो इसीलिए मैं यहाँ पे सुबह ही सुबह अपनी फाइल बनाने लग गई थी। और अम्मी यहाँ पे पोटैटोस पील कर रही हैं, पापा कुरान शरीफ पढ़ रहे हैं। अभी बहुत ज़्यादा मतलब कम टाइम बचा है मेरे पास, अभी मुझे कॉलेज भी जाना है और फाइल भी कंप्लीट करनी है। मुझे ऐसा लगता है कि फ़ाइल कंप्लीट करना मस्ट होता है, तो मैं फ़ाइल कंप्लीट करती हूँ। लेकिन फिर जब फ़ाइल कंप्लीट करके मैं लेके जाती हूँ ना, तो पता चलता है जिसने फ़ाइल नहीं बनाई है उनको भी उतने ही मार्क्स मिलते हैं जितने जिसने फ़ाइल बनाई है। तो बड़ा ही दिल टूट गया था मेरा, लेकिन फिर मैंने सोचा कि चले कोई बात नहीं, अगर मांग लिया होता फ़ाइल मुझसे और मेरे मार्क्स चले जाते तो उससे तो बेहतर ही है कि मैंने बना लिया, चाहे भला उन्होंने नहीं लिया हो। तो ये सारा खेल रहता है। ऐसे ही स्कूल में भी होता था, जब हम असाइनमेंट कंप्लीट कर लेते थे ना, तब हमसे असाइनमेंट कोई नहीं मांगता था, और जब नहीं कंप्लीट होता था तो बहुत ज़्यादा डांट पड़ती थी। आपके साथ भी ऐसा हुआ है मुझे कमेंट में ज़रूर बताएगा। वैसे आज मैं कॉलेज जा रही थी और मैसेजेस आए थे कि बहुत लेट भी हो सकता है, तो इसलिए अपना टिफ़िन खुद ही लेके आइएगा। तो यहाँ पर बड़ी सिस्टर ने मेरा टिफ़िन रेडी कर दिया था और मैं अपना टिफ़िन यूज़ करने के लिए बहुत परेशान थी, क्योंकि बहुत टाइम से ये रखा हुआ था, मैंने अभी तक इसे यूज़ नहीं किया था क्योंकि अभी ज़रूरत ही नहीं पड़ी थी पेपर की वजह से। लेकिन अब फाइनली खुद ही कॉलेज वालों का मैसेज आया, और पीछे जितना भी मिस क्रिएट है उसको प्लीज़ अवॉइड कीजिएगा, क्योंकि भी बहुत जल्दी जल्दी में सिस्टर ने मेरे वजह से खाना जो है वो रेडी कर दिया था। तो क्लीनिंग से पहले उन्होंने मेरा खाना जो है वो सेट कर दिया है टिफ़िन बॉक्स में, और मैं बहुत खुश थी क्योंकि मुझे टिफ़िन ले जाना स्कूल में बहुत पसंद है। तो ये सारा जो है बैंगन आलू की सब्ज़ी और दो परांठे सिस्टर ने रेडी कर दिए थे, और साथ ही साथ मैंने सोचा कि एक कंपार्टमेंट खाली क्यों रह जाए, तो मैंने उसमें राइस भी रखवा लिया था। तो ऐसे करके मेरा पूरा टिफ़िन बॉक्स जो है वो रेडी हो गया है। मेरा लंच बॉक्स रेडी के बाद फाइनली मैं आ गई थी कॉलेज से, और ट्रीट के तौर पे मैं सबके लिए ये लेकर के आई थी क्रीम बेल की आइस लॉली। और क्योंकि अभी समर चल रहे हैं तो रोज़ के रोज़ ही हम लोग आइस लॉली इंजॉय कर रहे हैं अलग अलग फ्लेवर में, तो मैं थी बाहर तो इसलिए मैं ही लेकर के आ गई। सिस्टर्स जाती हैं बाहर तो सिस्टर्स भी लेकर आ जाती हैं, तो सब लोग एक दूसरे को ट्रीट देते रहते हैं टाइम टू टाइम, और बहुत ही मज़े से फिर हमने ये आइस लॉली इंजॉय किया। और लेकिन ना मेरा पेट अभी खाली था, तो इसलिए मैंने फिर बैंगन की सब्ज़ी के साथ ये राइस भी खा लिया था, और उसके बाद छोटी सिस्टर स्नैक्स टाइम में स्नैक्स बना के लाई थी। तो टाइम टू टाइम मतलब मैं तो थक जाती हूँ ना, तो इसीलिए उठ करके व्लॉगिंग करने में थोड़ी सी मुश्किल आती है, और फिर जब कुछ बन के आ जाता है तो फिर तो बैठ के ही खाना होता है, तो इसलिए मैं व्लॉग कर लेती हूँ, तो सिर्फ खाने की ही चीज़ें दिखती हैं। अभी यहाँ पे हमारे फुप्पू लोग आई हुई थी, फुप्पू फुप्पा आए हुए थे, तो बैठे नाश्ता वगैरह करें, बातें वगैरह कर रहे हैं। और यहाँ पे मैंने निकाल लिया है अपनी फाइल्स वगैरह, और ये एक दिन पहले की क्लिप है, एक रात पहले की, तो इसीलिए इसको जो है वो सॉरी उसके लिए, क्योंकि मैं उस व्लॉग में ऐड करना भूल गई थी इससे पहले पहले। वेल यहाँ पे सब लोग बैठे बातें कर रहे हैं, नाश्ता वगैरह कर रहे हैं, और फिर रात का टाइम हो रहा था इस टाइम पे। उसके बाद जो है हम लोग सो गए थे, नेक्स्ट डे की क्लिप है। यहाँ पे हम लोग को जाना था मार्केट, तो तभी से मैंने फिर व्लॉग स्टार्ट किया, क्योंकि इतनी धूप थी रिक्शे पर और साथ में बहुत ज़्यादा झटके भी लगते हैं, तो डर की वजह से मैं रिक्शे पर जल्दी वीडियो बनाती नहीं हूँ, लेकिन थोड़ी बहुत बना लेती हूँ। और यहाँ पे मैं इतनी शदीद किस्म की धूप थी, लेकिन फिर भी हम लोग ना 3-4 बजे आए थे, तब भी इतनी धूप है, ऐसे लग रहा है कि 2-3 बजे का टाइम हो रहा है। और आज मुझे कॉलेज जाना नहीं था, तो इसीलिए आज का दिन अम्मी ने चूज़ किया, क्योंकि लास्ट टाइम सिस्टर्स चली गई थी लेकिन मुझे कॉलेज जाना था तो मैं जा नहीं पाई थी। अभी मेरा एक ड्रेस बाकी रह गया है, और साथ में मुझे अपनी सैंडल्स भी लेनी है कॉलेज के लिए, क्योंकि मेरे पास जूती वगैरह है, तो उसमें बहुत ज़्यादा मुझे इरीटेशन होती है इतनी गर्मी में, तो इसीलिए मुझे जो है वो कुछ स्लीपर्स वगैरह लेनी है। यहाँ पर अम्मी ड्रेस चूज़ करी थी और मैंने ड्रेस पसंद भी कर लिया था। मेरा बड़ा मन था कि मतलब इतनी अच्छी अच्छी ड्रेसेस थी, तो सब पे ही मेरा दिल आ जा रहा था, मेरा बड़ा मन था ये भी ले लूँ वो भी ले लूँ,
लेकिन जो पसंद था वो ले लिया खैर, और उसके बाद आगे निकल गए। कुछ कपड़ों की क्वालिटी ज़्यादा अच्छी नहीं थी, प्रिंट तो काफ़ी प्यारे प्यारे थे, ये सब तो मैं नहीं अम्मी समझ पाती हैं, तो जो प्रिंट प्यारे प्यारे थे ना वो फिर उसकी क्वालिटी नहीं थी, तो वो मैं हमने नहीं लिया। फिर आगे आ गए थे, खाला भी हमारे साथ ही थी, वो अपने घर की तरफ से आई थी और हम इधर से थे, और उनको भी थोड़ी शॉपिंग करनी थी तो उनको भी शॉपिंग करा दी हम लोग ने अम्मी की पसंद से, क्योंकि अम्मी की पसंद सबको अच्छी लगती है, तो इसीलिए। वेल, ये रही मैं, और हम लोग चल रहे हैं आगे। देखिए कितनी शदीद किस्म की धूप है, पूरी रोशनी पड़ रही है खाला के ऊपर। और उसके बाद फिर हम लोग आगे चले गए थे, तो थोड़ा बहुत एक्सप्लोर किया, लेकिन आज ना मार्केट का डे नहीं था, दूसरी जगह मार्केट लगी थी, तो आज बहुत ज़्यादा सन्नाटा सन्नाटा सा लग रहा होगा आपको, कम रश है आज, अमूमन तौर पे बहुत रश होता है। जब सिस्टर्स गए हुए थे ना तब भी काफ़ी रश था, और मार्केट का दिन भी था तो काफ़ी अच्छी बाज़ार लगी हुई थी। वेल, हम लोग आ गए थे यहाँ पे पानी पूरी खाने के लिए, अम्मी ने कहा चले पानी पूरी खा लेते हैं, अम्मी को पसंद नहीं है लेकिन मुझे और खाला को जो है वो अम्मी ने कहा, तो खाला ने फिर हमको पानी पूरी खिलाई थी, बहुत ही मज़े की। वैसे मेरा बहुत टाइम से पानी पूरी की क्रेविंग हो रही थी, और अभी जाके ना पूरी हो गई है। पानी पूरी खा के हम लोग निकल गए थे थोड़ा और स्क्रॉल करने के लिए, लेकिन उससे पहले मेरी नज़र पड़ गई थी चीज़ की दुकान पे, तो इसलिए मैंने अपने लिए चीज़ भी ले ली थी। यहाँ पे अम्मी और खाला लोग जो है वो अपना ड्रेस वगैरह सेलेक्ट कर रही थी, और मेरे मन के भी काफ़ी सारी ड्रेसेस थी जब मैं चीज़ लेने चली गई। उसके बाद अम्मी ने पसंद किया और फिर मैंने यहाँ से ले ली थी अपनी पसंद की ड्रेस, और मुझे अब काफ़ी ज़्यादा सेटिस्फैक्शन थी कि फाइनली मैंने एक ड्रेस ले ही ली है अपने लिए, जो मतलब जिस तरीके की मुझे चाहिए थी। वेल, उसके बाद यहाँ पर कीवी थी ढेर सारी, तो अम्मी ने कीवी भी लिया और मैंने ही साथ में इंजॉय करते खाते खाते इंजॉय किया हमारी शॉपिंग को। और मुझे शॉपिंग के दौरान खाना पीना बहुत पसंद है, लेकिन अम्मी तो कुछ भी नहीं खाती है, कुछ भी, बस सीधे उनको शॉपिंग करनी होती है, शॉपिंग से सीधा घर, लेकिन मैं फुल इन्जॉय करते हुए चलती हूँ। वेल, यहाँ पे अम्मी भी अपने लिए ड्रेस सेलेक्ट कर रही हैं, और उसके बाद हम लोग आगे बढ़ गए थे। इतनी गर्मी थी लेकिन इस टाइम पे इतनी अच्छी हवा चली थी बाज़ार में, बहुत सुकून मतलब वाली हवा चली थी। आपको धूप दिख रही होगी, लेकिन धूप में तेज़ी कम हो गई थी क्योंकि शाम की धूप है ये। और बस हम लोग चलते जा रहे थे क्योंकि अभी मुझे सैंडल लेना था, तो मेरी तलाश बस सैंडल्स की तरफ ही थी, सैंडल नहीं स्लीपर, तो बस मैं यहीं पर देखती जा रही थी। और फाइनली एक जगह पे मैंने स्लीपर जो है वो पसंद कर भी ली यहाँ से। यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस थे, लेकिन मुझे बहुत ही ज़्यादा सिंपल से चाहिए थे, कॉलेज गोइंग गर्ल वाली, तो इसलिए मैंने कॉलेज टाइप की ले ली। और यहाँ पे थोड़ा मैं बैठ भी गई थी, और देखिए कितना ढेर सारा यहाँ पे स्लीपर कलेक्शन हमेशा से यहीं पे लगता है। इसके बाद हमने कोल्ड ड्रिंक लिया और फिर हम लोग घर की तरफ आ गए, क्योंकि पानी तो पूरे रास्ते कहीं मिला ही नहीं था। और यहाँ पे देखिए कितना सुंदर प्यारा माशाल्लाह सनसेट यहाँ पे हमें देखने को मिला। और फिर हम लोग घर की तरफ चले गए सारी शॉपिंग करने दिखाने के लिए अपने सिस्टर्स को, मैं तो बड़ी एक्साइटेड थी। और फिर फाइनली जो है वो हमारी शॉपिंग एंड हो गई। घर आके सिस्टर्स को अपनी शॉपिंग वगैरह दिखाई, और फिर भूख बहुत ज़ोरों की लगी थी, तो इसीलिए हमने ऑर्डर कर लिया था पिज़्ज़ा। तो बस अपना ऑर्डर जो है वो मैं रिसीव करने जा रही थी। आजकल बहुत ज़्यादा बाहर से खाना हमारा होने लगा है क्योंकि बस मन करता है तो मंगा लेते हैं। वैसे तो घर में खाना हमारा बनता ही बनता है, लेकिन फिर रात के टाइम किसी का भी दिन का खाना खाने का मन नहीं करता है, कुछ भी बनाऊँ चाय वाला, तो इसीलिए हमने पिज़्ज़ा ऑर्डर कर दिया था। वैसे भी ये एज अ स्नैक्स टाइम के लिए ऑर्डर किया था, और फिर बस मैं लेकर के चली गई पिज़्ज़ा, सब ने इन्जॉय करके खाया, बहुत ही मज़े का पिज़्ज़ा था। और इसे हमने एज अ स्नैक्स एंड एज अ डिनर दोनों तरीके से खाया। इसी के साथ की था मेरा आज का व्लॉग, उम्मीद करती हूँ आपको व्लॉग पसंद आया होगा। अच्छा लगा मैं चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना बोला, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, अपना खूब सारा ख्याल रखिएगा और मुझे दुआओं में याद रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाई।